नमस्कार दोस्तों, फिर से और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में मेरे साथ जोड़ने के लिए। मैं अगर गलत ना हो तो मुझे पता है कि आप सब मर्डर शब्द से परिचित है। ये मर्डर अभी के लिए एक कॉमन शब्द है, पूरा भारत में अक्सर न्यूज़पेपर में आप देखते ही होंगे ये हत्या की घटना। लेकिन आपको क्या पता है ये हत्या का मुख्य कारण क्या है? एक आदमी क्यों एक दूसरे आदमी का कत्ल करता है? आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक्स में ही बात करेंगे। दो लड़कियों का कटा सिर मिलना, दो महिलाओं के कटे हुए पैर और धर मिलने से एक बार फिर से दहशत का माहौल है। आप ए लाइन अक्सर टीवी न्यूज़पेपर में देखते और सुनते होंगे। लड़कियों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले लोगों को पुलिस नहीं पकड़ सकी है, लेकिन शहर के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने इस हत्या के दोषी को खोज निकाला है। इन महिलाओं का किलर है एड्रेनालिन। यह ह्यूमन बॉडी में जेनरेट होने वाला ऐसा हार्मोन है जो इंसान के दिमाग का काम करना पूरी तरह से बंद कर देता है। व्यक्ति इतना उत्तेजित होता है कि वो इस दौरान कत्ल जैसा गुनाह को अंजाम दे बैठता है। अब हम जानेंगे ये गुस्सा असलियत में होता क्या है। लखनऊ के मनोवैज्ञानिक अब्दुल कदीर जिलानी ने बताया कि गुस्सा एक प्रकार के इंसान के फीलिंग्स है। यह अक्सर खुद का और लोगों का नुकसान करता है। इसके लिए जरूरी है कि अपने गुस्से की सही वजह को पहचाना जाए और उन पर नियंत्रण रखा जाए। गुस्सा एक नेचुरल इमोशन है जो चिड़चिड़ाहट, निराशा और मनमाफी काम ना होने की स्थितियों में सामने आता है। गुस्सा आना नॉर्मल है, लेकिन इस पर काबू में ना रखना एबनॉर्मल। डॉक्टर जिलानी ने बताया कि गुस्सा आना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन यदि इसके वजह से कोई शख्स खुद का या किसी दूसरे का नुकसान पहुंचाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। गुस्से की मैकेनिज्म। गुस्से को समझने के लिए गुस्से की मैकेनिज्म जानना बहुत जरूरी है। गुस्से का एक अलग ही पहचान है। गुस्से का लक्षण। जब किसी शख्स को गुस्सा आने वाला होता है तो उसके हाथों पैर में खून का बहाव तेज से होता है, दिल की धड़कने बढ़ जाती है, एड्रेनालिन हार्मोन तेजी से रिलीज होता है और बॉडी को इस बात के लिए तैयार कर देता है कि वो कोई ताकत से भरा एक्शन ले। इसके बाद गुस्सा व्यक्ति को धीरे धीरे अपने गिरफ्त में लेने लगता है, जिसकी वजह से शरीर में कुछ और केमिकल रिलीज होता है जो कुछ पलों के लिए बॉडी को एनर्जी से भर देता है। इस वक्त इंसान खून जैसी घटना को अंजाम देता है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम में कॉर्टिसोल समेत कुछ और केमिकल निकलता है। एक केमिकल शरीर और दिमाग को कुछ पलों के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक प्रभावित करते हैं। ये दिमाग को उत्तेजित अवस्था में रखते हैं, जिससे दिमाग में विचारों का प्रभाव बेचैनी के साथ और बेहद तेज स्पीड से बहने लगता है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जिलानी ने बताया कि आंकड़ों के मुताबिक बीते 3 साल में देश में होने वाली हत्याओं की मुख्य वजह गुस्सा और आवेश में आकर कत्ल करना था। क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ऑफ इंडिया के आंकड़े बताता है कि देश में लोगों का पारा बहुत तेजी से गर्म हो रहा है। हर साल 30-32% हत्याएं अचानक भड़के गुस्से का नतीजा होता है। यदि गुस्से को विज्ञान की नजर से देखें तो किसी व्यक्ति के खुश रहने या नाराज होने की स्थिति के लिए उसके दिमाग में मौजूद सेरोटोनिन हार्मोन का स्तर जिम्मेदार होता है। मनोचिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश कहते हैं कि तुरंत गुस्से का अधिक स्तर आमतौर पर उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है जो सामान्य स्थिति में खुश नहीं होते, जिन्हें खुश रहने की आदत नहीं होती, जिनमें खुश रहने की प्रवृत्ति नहीं होती। ऐसे लोग गुस्से होने के लिए बस बहाने की तलाश में रहते हैं। जरा सी भी बात कोई उन्हें मिली नहीं कि दहक उठते। दरअसल जो लोग ज्यादा समय तक तनाव में रहते या जिन लोगों की जिंदगी में खुश रहने के अवसर कम होते, ऐसे लोगों के मस्तिष्क की कोशिकाएं गुस्से के लिए अनुकूल स्थिति में ढली होती है। ये जरा सी भी बात पर इतनी जल्दी और इतने बड़े स्तर पर शक्ति हो जाते हैं कि सामान्य व्यक्ति अंदाजा ही नहीं लगा पाता कि आखिर सामने वाला व्यक्ति इस तरह गुस्सा क्यों कर रहा है। जब गुस्से का नशा दिलो दिमाग पर हावी हो जाता है तो आदमी बेहोशी दरिंदा बन जाते हैं। तनाव की पराकाष्ठा। सवाल है इसका कारण क्या है, अगर हम इस कदर क्यों उबल रहे हैं। इस तमाम गुस्से और उसके बदले कत्ल का कारण है हमारा लाइफस्टाइल में बढ़ती व्यस्तता, तनाव, निराशा, उम्मीदों से कम होती सफलता की दौड़ और क्षमताओं से कई ज्यादा तय किए गए टारगेट, ये सब मिलकर हमें तोड़ रहे हैं। शहरी लोग दिन ब दिन तनाव की पराकाष्ठा की तरफ बढ़ रहे हैं। उस पर सड़कों पर लगने वाला जाम और मौसम की अनियमितता आग में घी का काम करता है। लोग उबल पड़ते हैं,
जरा सी भी बात में कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते। हर गुजरते साल रोश में होश खोने वाले की संख्या में इजाफा हो रहा है। इजाफा बताता है कि किस तरह हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा कामकाज हावी हो गया। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन है।